सावन भादों का महीना उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल पर दोहरा कहर बनकर टूटा है। एक तरफ बाढ़ की मार है तो दूसरी तरफ इंसेफ्लाइटिस बीमारी की मार। पहले से ही बाढ़ ने लोगों का दम निकाल रखा है। ऐसे में पूर्वांचल का रावण बन चुकी इंसेफ्लाइटिस बीमारी के आगे सारी व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। बच्चों को इस कुदरत के कहर से तो जैसे तैसे बचा लिया गया, लेकिन अब पूर्वांचल का रावण इन बच्चों के पीछे पड़ गया है। इस बीमारी से आम जनता से लेकर सरकारी अमला हैरान परेशान है। गोरखपुर से इस साल जनवरी महीने से लेकर अब तक 703 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 183 मरीजों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस वार्ड में 100 मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते 5 दिनों में 27 मासूमों की मौत हो चुकी है, वही 24 घंटे के भीतर 20 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें 4 की मौत हो गई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे तो हर साल पूर्वांचल के जिलों में इंसेफ्लाइटिस का कहर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार इस महामारी ने जिस तेजी से अपने पैर फैलाए हैं वो चिंता का विषय है। वैसे स्वास्थ्य विभाग चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन इस बार जिस तरह से इंसेफ्लाइटिस का कहर देखने को मिल रहा है उसे लापरवाही कही जाएगी। हर साल बारिश के मौसम से पहले ही ये बीमारी अपने पैर पसारने लगती है, इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।